चलिए हाय दोस्तों, आपके लिए एक अनदर वीडियो लेके आया। कल का जो ट्रेडिंग सेशन रहेगा 13 जून का, तो कल के ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी और बैंक निफ्टी के कौन से लेवल इंपॉर्टेंट रहेंगे इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इस तरह की और वीडियो आप ले ला सको। और जिन लोगों ने तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन ये सब एजुकेशन पर्पज है। और आपको कोई भी ट्रेड वगैरह लेना है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछ सकते हैं। यहाँ पे मैं जो चार्ट्स वगैरह पोस्ट कर देता हूँ सब एजुकेशन पर्पज है। तो मैंने मॉर्निंग में डाला था कि 18,580 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आज वही पे सपोर्ट लिया निफ्टी ने, वही से एक रिबाउंड करता हुआ देखने को मिला। यहाँ पे देख सकते हैं 18,580 देख सकते हैं, कहाँ पे 18,580 तो देख सकते हैं 18,580 ये जो लेवल है यही से बाउंस बैक करता है, दो बार एक अच्छा अपसाइड का मोमेंटम करता है निफ्टी देखने को मिला। उसी तरह से बैंक निफ्टी का मैंने जो लेवल दिया था, तो बैंक निफ्टी देख सकते हैं ऑलमोस्ट यहाँ पे 930 43,950, तो 43,950 को देख सकते हैं यहाँ पे मॉर्निंग तक उसने होल्ड किया 950 तक, लेकिन अभी जो से ब्रेक किया तो शार्प रैली यहाँ पे डाउन साइड के लिए देखने वाला। होल्ड किया बहुत टाइम तक होल्ड किया, ऊपर की तरफ से भी सेलिंग का प्रेशर आ रहा था, जैसे ब्रेक डाउन किया तो शार्प मोमेंटम हो गया। लेकिन यहाँ पे इतना बड़ी कैंडल में एक तो आपको ट्रेड नहीं मिला होगा, यहाँ पे डेटा अगर देखे तो यहाँ पे डेटा हुई कुछ यहाँ पे साइडवाइज देखने को मिल रहा था। चलिए भी निफ्टी के लिए कौन से लेवल इंपॉर्टेंट रहेंगे, ट्यूजडे का दिन रहेगा फिर निफ्टी एक्सपायर रहेगा, देखेंगे क्या इंपॉर्टेंट है एंड ऑल। चलिए यहाँ पे देखे तो इनसाइड कैंडल फॉर्मेशन हुआ है, देख सकते हैं इनसाइड कैंडल फॉर्मेशन हो रहा है आज, इसके अंदर ही ओपन क्लोज होता है। तो कल अगर ये लो ब्रेक करता है जो कि 550 के नियर बाय इसके नीचे निकलता है तो सब डाउन साइड को मोमेंटम आता है, लेकिन मार्केट में मोमेंटम नहीं, इंडिया विक्स बढ़ता है। इंडिया विक्स अगर देखे तो ओनली 1% यहाँ पे बड़ा, मॉर्निंग में 2% बढ़ा था, यहाँ पे इंडिया विक्स बढ़ता है तो ही मोमेंटम होगा। और इसके हाई के ऊपर निकलता है जो कि 18,680 तभी एक मोमेंटम अपसाइड के लिए देखने को मिलेगा। यहाँ पे 30 मिनट के चार्ट के ऊपर हम यहाँ पे आपको प्राइजेक्शन दिखा देते हैं, चैनल था इस चैनल को ब्रेक डाउन करना चाहिए, ब्रेक डाउन करके देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, ब्रेक डाउन करके रिटेस्ट करके फॉल करेगा तो भी, अदरवाइज यहाँ पे कोई रेंज बनाता है, इस रेंज को अपसाइड या डाउन साइड ब्रेक करता है तभी एक मोमेंटम अपसाइड या डाउन साइड के लिए बनता हुआ देखने को मिल रहा है। नीचे की तरफ सपोर्ट अगर देखे तो मैं आपको 580 का जो लेवल है वो मेरा लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और 620 का ये जोन है, उसके नीचे रहेगा 18,500 का लेवल और उसके नीचे रहेगा 18,480 का लेवल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस लेवल के ऊपर रहता है 620 के तो एक बुलिशनेस आ सकता है, जो 18,700 के लेवल पे और 18,800 के लेवल तक यहाँ पे, लेकिन इसके अंदर ही यहाँ पे ट्रेड करते तो साइडवेज होने के चांसेस है, तो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। 15 मिनट के चार्ट के ऊपर अगर देखे तो पैटर्न देखो, ओ पैटर्न अगर देखे तो यहाँ पे सम इस टाइप ऑफ पैटर्न बनता है, 480 को जब भी ब्रेक करेगा तभी डाउन साइड का मोमेंटम, अदरवाइज यहाँ पे डाउन साइड का मोमेंटम निफ्टी में नहीं है। आप देखिए जब तक तो यहाँ पे कोई बड़ा ब्रेकआउट नहीं मिलता है तो उसके बाद ही रिटेस्ट में यहाँ पे ट्रेड लीजिए, अदरवाइज यहाँ पे साइडवेज मार्केट में प्रीमियम डीके ज्यादा देखने को मिलेगा। ऑप्शन चेन डेटा अगर देखें तो 18,600 के लेवल पे 108 लाख कॉल से, और यहाँ पे 137 लाख यहाँ पे OI देखने को मिल रहा है, यहाँ पे पुट राइटर ज्यादा है, चेंज इन पुट राइटर भी ज्यादा देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट के लिए देखने को मिल रहा है 18,650 का लेवल। नीचे की तरफ 500 का स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट है, लेकिन ऊपर की तरफ अगर रेजिस्टेंस शो करता हुआ देखें तो 750-800 का जो लेवल है रेजिस्टेंस के लिए शो करता हुआ देखने को मिल रहा है ऑप्शन चेन डेटा के हिसाब से। चलिए भी बैंक निफ्टी देख लेते हैं, बैंक निफ्टी डेली कैंडलस्टिक में क्या देखने को मिल रहा है। बैंक निफ्टी अगर देखे तो बैंक निफ्टी सम बेरिशनेस में देखो 43,800 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 43,800 में मार्क करके देखता हूँ, यहाँ पे 43,800 के नीचे जब भी जाएगा तब एक डाउन साइड कमेंट होगा, और यहाँ पे जो चैनल क्रिएट किया चैनल को ब्रेक डाउन किया है। और 50 मिनट के चार्ट के ऊपर अगर देखे तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर देखे तो डेली कैंडलस्टिक में एक चीज आपको बताना भूल गया कि आप एक इनसाइड टाइप ऑफ कैंडल बन रहा था, अगर आज इसके लो के नीचे निकलता है तो एक सम बेरिशनेस का मोमेंटम सिर्फ बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है, तो नजर बना के रखिए बैंक निफ्टी में। उसी हिसाब से अगर 15 मिनट के चार्ट के ऊपर अगर देखे तो प्राइज एक्शन क्या बिल्ड हो रहा है, प्राइज एक्शन अगर देखे तो प्राइज एक्शन के लिए जो टॉप बन रहा है जो कि 44,455 का, और यहाँ पे 44,200 का, और यहाँ पे जो मैंने अभी लेवल दिया था जो कि 950 का, तो 950 के नीचे रहता है और यहाँ पे 800 के नीचे निकलता है तब एक डाउन साइड का मोमेंटम हो सकता है। क्यों हो सकता है उसका रीजन देख लो, बाउंस बैक हुआ बहुत दिन से इसी रेंज में बैंक निफ्टी चल रहा है, जब ये रेंज को डाउन साइड या अपसाइड निकालेगा तभी मोमेंटम होगा, अदरवाइज इसके अंदर साइडवेज होने के चांसेस है। अगर 800 के नीचे आता है तो कौन से लेवल इंपॉर्टेंट रहेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे हिसाब से अगर देखें तो जो कि 622 का एक सपोर्ट रहेगा, और उसके बाद में अगर देखें तो यहाँ पे 43,400 का एक लेवल रहेगा, तो ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे नजर बना के रखें। और यहाँ पे ब्रेकडाउन होता है इसके नीचे रहता है तो एक डाउन साइड का मोमेंटम बैंक निफ्टी थोड़ा वीकनेस का
मोमेंटम देखने को मिल सकता है। टीसीएस अगर देखे तो आईटी स्टॉक्स अगर देखे तो 40 रुपीज बढ़ा है, उसके बाद निफ्टी में स्ट्रेंथ देखने को मिले। इन्फोसिस अगर देखे तो 28 पॉइंट्स यहाँ पे बढ़ा है, तो उसकी वजह से निफ्टी में स्ट्रेंथ है। लेकिन बैंक निफ्टी अगर देखे तो कोटक महिंद्रा बैंक यहाँ पे अगर देखे तो 3 रुपीज डाउन है, एचडीएफसी बैंक 9 रुपीज डाउन है, एक्सिस बैंक यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट है, एसबीआई यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट है, तो उसकी वजह से यहाँ पे बैंक निफ्टी में थोड़ा सेलिंग का प्रेशर देखने को मिल रहा है। बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन डेटा अगर देखे तो बैंक निफ्टी का 44,000 के लेवल पे कॉल राइटिंग अच्छा सा देखने को मिल रहा है, ओआई अच्छा सा बिल्ड होता देखने को मिल रहा है, तो ऊपर की तरफ अच्छा सा सेलिंग का प्रेशर ऐड होता देखने को मिल रहा है कॉल राइटर। तो यहाँ पे 44,100 रेजिस्टेंस के लिए वर्क करेगा, 43,800 का जो लेवल है वहाँ पे भी अच्छा सा कॉल राइटर ऐड होते देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे सम बेरिशनेस का भी यहाँ पे बैंक निफ्टी में ले चाहिए, लेकिन निफ्टी बुलिश है, बैंक निफ्टी बेरिश है, तो यहाँ पे साइडवाइज होने के चांसेस निफ्टी में ज्यादातर देखने को मिल रहा है। फिन निफ्टी देख लेते हैं, फिन निफ्टी के लिए कल की एक्सपायर रहेंगे किस तरह से रह सकती है, क्या प्रीमियम डीके वगैरह रह सकता है, क्या बड़ी मोमेंटम होता है कि नहीं। बैक टू बैक 3 कैंडल्स यहाँ पे फिन निफ्टी में डाउनसाइड का मोमेंटम देखने को मिल रहा है। अगर यहाँ पे कोई सपोर्ट है यहाँ पे देख सकते हैं 19,000, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ 19,378 एक ऑलमोस्ट यहाँ पे सपोर्ट मैंने ड्रॉ करके रखा है। इस सपोर्ट को ब्रेक करते हैं तो डाउनसाइड का मोमेंटम शार्प देखने को मिल सकता है। और कल एक्सपायरी में देखना पड़ेगा किस तरह से मोमेंटम। 50 मिनट के चार्ट पेपर अगर देखें तो प्राइजेक्शन परफेक्टली ट्रेंड लाइन के पास आ रही है, इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पे क्या करता है देखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके नीचे की तरफ आता है तो 19,200 और 123 के लेवल रहेंगे। अपसाइड के लिए मैं 19,500 के अबव यहाँ पे सोचूंगा, अदरवाइज इस रेंज में यहाँ पे बहुत वोलेटाइल जो साइडवेज रहने के चांसेस यहाँ पे फिन निफ्टी में देखने को मिल रहे हैं। फिन निफ्टी का ऑप्शन चेन डेटा अगर देखे तो कॉल साइड में ज्यादा ओआई देखने को मिल रहा है, पुट साइड में कॉल साइड में अच्छा सा ओआई देखने को मिल रहा है अगेंस्ट पुट साइड। लेकिन जितना कॉल साइड है ऊपर की तरफ ओआई उतना पुट साइड में भी है, तो यहाँ पे रेंज बना के चल रहा है फिन निफ्टी। अभी रेंज अगर ब्रेक होता है यहाँ पे कोई बड़ा मोमेंटम होता है तभी एक मोमेंटम हो सकता है, अदरवाइज यहाँ पे जितने पुट राइटर उतने कॉल राइटर है, तो यहाँ पे साइडवेज होने के चांसेस बहुत ज्यादा देखने को मिल रहे हैं फिन निफ्टी में। तो कल का जो ट्रेडिंग सेशन रहेगा 13 जून का, तो यहाँ पे नजर बना कर रखे निफ्टी फिन निफ्टी के कौन से लेवल आपको दिए वो यहाँ पे नजर बना कर रखे आपको जो दिए यहाँ पे ऑलमोस्ट यहाँ पे इंडिया विक्स, जब तक देखो इंडिया विक्स बहुत तंग कर रहा है, जब तक इंडिया विक्स में कोई बड़ा मोमेंटम नहीं आता या कोई इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं करता यहाँ पे, तब तक यहाँ पे मार्केट में वोलेटिलिटी नहीं शो करती हुई देखने को, और मार्केट में जब तक यहाँ पे वोलेटिलिटी नहीं आती तब तक यहाँ पे प्रीमियम्स वगैरह बढ़ेंगे नहीं, यहाँ पे क्विक मूव आपको मिलेगा नहीं। चलिए आपके लिए जो एस्ट्रो टाइम्स रहेंगे मैं ट्विटर पे डाल दूंगा, अभी एक दो दिन से एस्ट्रो टाइम नहीं डाल रहा क्योंकि मार्केट में मोमेंटम ही नहीं, तो क्या तरह के एस्ट्रो टाइम भी वहाँ पे कुछ मोमेंटम नहीं मिलेगा, कुछ बड़ा मोमेंटम अगर किस टाइम पे रहता है तो एस्ट्रो टाइम को आपके साथ शेयर कर दूंगा। चलिए वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।